ट्वेंटी फोर सर आपका प्राइवेट आई टी आई कंप्लीट। स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक है डीसी मोटर। डीसी मोटर में हम आगे का एक टॉपिक है उसको यहाँ पे देखेंगे। पिछले टॉपिक में हमने डीसी मोटर का देखा था कंस्ट्रक्शन, उसके सिद्धांत और वर्किंग प्रणाली कार्य कैसे करता है, ये सभी चीजें हमने देखा था। आज हम देखेंगे डीसी मोटर का जो बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है। डीसी मोटर में देखिए क्या होता है, जब आर्मेचर में हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं, आर्मेचर में जैसे हमने वोल्टेज अप्लाई किया तो आर्मेचर जो है रोटेट होने लगता है। आर्मेचर मोशन चालू हो जाता है, आर्मेचर जो आपका रोटेट होने लगता है। और इसके कारण क्या होता है, जब आर्मेचर रोटेट होने लगता है तो उस कंडीशन में आर्मेचर जो है मुख्य जो पोल है उसमें जो फ्लक्स है, मुख्य पोल का जो फ्लक्स है जो एन से ए सी में जाता है इसको कट करता है, इस जो फ्लक्स का प्रतिसेदन करता है। तो इस कारण क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम है उसके कारण क्या होता है, आर्मेचर के जो क्वाइल है उसमें एक वोल्टेज यानी कि विद्युत का बल उत्पन्न हो जाता है, उसे हम कहते हैं बैक ईएमएफ। जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं बैक ईएमएफ। यह जो वोल्टेज है बैक ईएमएफ है, इसको काउंटर वोल्टेज काउंटर वोल्टेज भी कहते हैं। और ये जो वोल्टेज है आपका जो सप्लाई वोल्टेज है, जैसे कि यहाँ पर हमने सप्लाई वोल्टेज दिया है कि इस सप्लाई वोल्टेज से हमेशा यह जो है कम रहता है। इसका जो मान है जो बैक ईएमएफ है, जो विद्युत का बल उत्पन्न हो रहा है आर्मेचर में बैक ईएमएफ, वह जो है सप्लाई वोल्टेज से हमेशा कम रहता है। अगर यह वोल्टेज अगर सप्लाई वोल्टेज से ज्यादा हो जाए तो आर्मेचर जो है रोटेट नहीं हो पाएगा और रुक जाए। तो इस प्रकार से अगर हम बैक ईएमएफ को देखें, बैक ईएमएफ जो वोल्टेज है वह एक तरह से जनरेटर में जो वोल्टेज उत्पन्न होता है उसी समीकरण से हम उसको याद करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं बैक ईएमएफ जनरेटर के केस में देखेंगे तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज यानी कि जो उत्पादित वोल्टेज है। जनरेटर में क्या होता है, वोल्टेज उत्पन्न होता है यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उसमें विद्युत एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसमें जो आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका फाइव वोल्टेज का मान समझिए पी फाइव ए। लेकिन जो मोटर है उस केस में यही वोल्टेज क्या हो जाता है उसका मोटर का बैक ईएमएफ। और यह जो वोल्टेज है वह सप्लाई वोल्टेज के विपरीत कार्य करता है यानी कि सप्लाई वोल्टेज जो हम दे रहे हैं उसका विरोध करता है बैक ईएमएफ वोल्टेज।
वेजिटेरियन जो है हमारे के वेजिटेरियन के नियम के अनुसार बहुत तरह का डाइट है। यदि चालक का जो स्पीड है वो और प्लस पोल से भी जुड़ा हुआ है वो उनके बीच संबंध इसमें होता क्या है जो आर्मेचर आपका एक चालक है आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उनमें कुछ रेजिस्टेंस होता है। इस रेजिस्टेंस के कारण क्या करता है धारा के प्रवाह को रोकता है। इसके कारण क्या होता है आर्मेचर का जो वाइंडिंग है उनमें वोल्टेज ड्रॉप होता है। इसे हम कहते हैं आई इंटू आर ड्रॉप। ये होता है आपका फॉर्मूला यहां से हम लाते हैं स्पीड यानी कि एन एन का मान यहां पे क्या होगा सीएम का इसको निकालेंगे तो यहां पे ऐसे रहेगा एन इज इक्वल टू यहां पे हम डिवाइड करेंगे ये आपका आर ऊपर हो जाएगा वी माइनस आई ए आर ए इनटू 63 और ये ऊपर वाला जो होगा आपका नीचे यहां पे आ जाएगा ये आएगा 5 Thank you.
ये है पी। यहां से मैंने निकाल लिया स्पीड का फॉर्मूला, इसी होता है आपका उसकी स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप यहां पे बी माइनस आई आई इसको मैं अगर ठीक है और जो हमारा सिक्सटी ए और जे एन टी ये हमारा कांस्टेंट रहता है डीसी मोटर में, क्योंकि जो चालक है हमारा वो जितना एक बार में लगा दिया वो उतना ही रहेगा फिक्स रहेगा। दूसरा है चार्जों की संख्या ऐसी रहेगी और आपका समांतर चरणों की संख्या भी इसके रहेगी। इस प्रकार अगर मैं इसको ए मानू जहां पे ये हो जाएगा आपका बी बी ए और फाइव यह रहेगा आपका स्पीड का फॉर्मूला। यहां से हमें पता चलता है इस फॉर्मूले से कि जो स्पीड है आपका वह जो बैक ईएमएफ है उसके समानुपाती होता है और साथ ही साथ जो फ्लक्स है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर हम आप फ्लक्स बढ़ाएंगे फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो स्पीड जो है हमारा कम होगा और उसी प्रकार जो हमारा बैक ईएमएफ है वह अगर बढ़ता है तो स्पीड बढ़ेगा। स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो डीसी मोटर है उसका बैक ईएमएफ का फॉर्मूला है आपको देखा और उनके भी संबंध स्थापित किए। इस प्रकार यह टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर इसमें कुछ आपको डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, थैंक यू।